1932 के आधार पर एक टी शर्ट की बिक्री हो रही है। 32 पहन करके लोग घूमे फिरे। झारखंड के मुद्दों और झारखंड के इश्यूज के ऊपर भी हम लोग टी शर्ट निकालते हैं। 1932 जो है झारखंड में हमेशा ही ज्वलंत मुद्दा रहा है। झारखंड में 1932 के आधार पर स्थानीयता की को परिभाषित करने को लेकर के बड़ा हो हंगामा होता है। तमाम सरकारें कहीं ना कहीं इसके पक्ष में नज़र आती हैं तो कुछ इसके विपक्ष में भी नज़र आती हैं। वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार इस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है कि हम झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ रहने वाले वास्तविक बासिंदों को उसका पूरा हक और अधिकार देंगे। लिहाजा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करेंगे। जब सरकार इस बात को कह रही है तो लोगों की ज़ुबान पर भी है और कहीं ना कहीं इसको कारोबार के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव में, जहाँ पर एक स्टॉल में आप देखेंगे कि 1932 के आधार पर एक टी शर्ट की बिक्री हो रही है जिस पर प्रिंट किया हुआ है और लोगों में बड़ा इसे पसंद किया जा रहा है, बड़ा क्रेज़ है, खास करके जो यहाँ के आदिवासी और मूलवासी समाज के। दादा, क्या आखिर इसका ऑब्जेक्टिव था जो 1932 आपने पब्लिश कराया, प्रिंट कराया, और लोगों का क्या रिएक्शन है? देखिए, 1932 जो है झारखंड में हमेशा ही ज्वलंत मुद्दा रहा है। जैसा कि आप बोले कि लोग इसके पक्ष में भी हो सकते हैं लेकिन इसके विपक्ष में भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुद्दा झारखंड के दिलो दिमाग से कभी जा नहीं रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने इस मुद्दे को टी शर्ट के थ्रू, और आपने चाहा इसको कमर्शियल आइस कर जाए और इसको कारोबार के रूप में भी पेश किया। जी जी जी, ताकि लोग इसको जिन लोगों जो लोग इनसे क्या कहते हैं रिलेट करते हैं वो इनको पहने और आत्मसात करें और गर्व से 1932 को 32 पहन करके लोग घूमे फिरे। अच्छा, इसको जो खरीदने वाले लोग आ रहे हैं उनका क्या फीडबैक है, रिएक्शन? उनको अच्छा लग रहा है, उनको ये 1932 टी शर्ट पहन के अपनत्व का भाव मतलब अपने अंदर फील आ रहा है। तो आपका पर्पस सिर्फ कमर्शियल इसका बेनिफिट लेना है या वाकई में इससे आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं? हमारे वेंचर का नाम है द ओंग अपैरल। तो हम लोग शुरुआत से ही झारखंड के मुद्दों और झारखंड के इश्यूज़ के ऊपर भी हम लोग टी शर्ट्स निकालते हैं। हम लोगों ने उल उलान का टी शर्ट्स भी निकाला था, हम लोग जल जंगल जमीन का भी टी शर्ट्स निकाला है, हम लोग 1932 का भी टी शर्ट्स निकाले, हम लोग मारंग बुरु का भी टी शर्ट्स निकाले हैं। अभी तक ऐसा हमारे जैसा इनोवेटिव टी शर्ट्स निकालने वाला और कोई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं मारंग बुरु, यहाँ पे मारंग बुरु का हो समुदाय में, मुंडा समुदाय में, संथाल समुदाय में इसका धार्मिक महत्व है, लोग इनको पूजते हैं। तो क्यों ना हम टी शर्ट बना के लोगों के लिए एक अवसर पैदा करें कि वो अवेयरनेस भी है, लोगों में जागरूकता भी आएगी इसको लेकर। जी हाँ, जैसे कि आप ऑनलाइन मीडिया में आप बहुत सारे टी शर्ट कंपनीज को आप देखें जिसका जो लोगोज निकालते हैं, जो अपना फॉन्ट्स निकालते हैं, बहुत कोई खास मीनिंग नहीं रहता, लेकिन हम लोग अपने टी शर्ट के थ्रू एक मीनिंगफुल टी शर्ट निकालते हैं ताकि लोग अवेयर हो और जागरूकता फैले। खरीदने वाले लोग ज़्यादातर किस तरह के लोग हैं? झारखंड के लोग हैं, आदिवासी मूलवासी हैं या अदर देन उसके? झारखंड के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जो बाहर भी चले गए हैं, वो लोग इससे बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। जैसे कि कोई हमारे जो टी शर्ट से अक्रॉस इंडिया जाता है, तो जो भी यहाँ के लोग जाते हैं जब ये टी शर्ट्स देखते हैं तो वो उनको अपनत्व का भावना आता है, तो वो लोग खरीदते हैं। अदर देन ट्राइबल्स ऑल्सो ये टी शर्ट्स उनको बहुत पसंद आते हैं। हम लोगों ने यहाँ के लिंगोज को भी हम लोग अपने टी शर्ट्स में निकालते हैं। जैसे कि आप पीछे देखेंगे चलोड़वेकर, जैसे कि बाहर में गेट लॉस्ट को गेट लॉस्ट कहते हैं, ठीक है, तो झारखंड में यहाँ पे इस गेट लॉस्ट को यहाँ की भाषा में कहते हैं चल उड़वेकर, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने टी शर्ट में एक फंकी वे में प्रस्तुत किया है। फिर झारखंड के कब से ये अपने प्रैक्टिस में लाना शुरू किया है और अभी तक इसका जो फीडबैक है कैसा है, वो मतलब आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में नज़र आ रहा है? जी हाँ, हम लोग 3.5 साल से हैं और 3.5 साल से हमारे बहुत सारे डिज़ाइंस आए और हम लोग नए डिज़ाइंस हम लोग लेके आते रहते हैं। एक सवाल ये है जो अब इस पर लेकर के पॉलिटिकल जो है वो मत है वो अलग अलग है, तो जैसे ये कंट्रोवर्सी बढ़ती है क्या डिमांड भी बढ़ती है इसकी? जी बढ़ती है, अगर कंट्रोवर्सी होती है तो फिर हमारी बातें ज़रूर होती है। और जैसे कि एक समय था उल गुलान का मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से आया था, तो उस वक्त हम लोगों ने उल गुलान का टी शर्ट निकाला था और उल गुलान पहन के लोग प्रोसेशन में जाते थे, अपने बात विचार रखने के लिए भी करते थे। दूसरे ये हुआ ना दादा कि इस कंट्रोवर्सी में भी आप अवसर देखते हैं और उसका कहीं ना कहीं आप एक तो अवेयरनेस इसका पर्पस है, जाहिर सी बात है कमर्शियल भी कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू इसका है।
हाँ, बिजनेस इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे अवसर को किस तरीके से कहाँ देखते हैं और इनको उसको कैसे इनकैश करते हैं। हम लोगों ने झारखंड का और भी मुद्दे, जैसे कि छोटे छोटे मुद्दे, जैसे कि यहाँ पे ब्रेड एंड बटर खाने से ज़्यादा लोग दाल भात चोखा खाना पसंद करते, तो हम लोगों ने उसको भी अपनी टी शर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं दाल भात चोखा। चूँकि हमने शुरू में ही बताया अपने इंट्रो में, झारखंड में जो 1932 का जो विषय है वो बेहद सेंसिटिव विषय है और अभी तक कोई भी सरकार इसको पूरी तरीके से हल नहीं कर पाई है, क्योंकि स्थानीयता की परिभाषा अभी भी लंबित है। तमाम सरकारें इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष में दावे करती है, लेकिन वर्तमान की यूपीए सरकार या हेमंत सोरेन की सरकार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध नजर आती है। और आपने सुना होगा कि मानसून सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बात को कहा है कि सरकार 1932 से पीछे हटने वाली नहीं है। जाहिर से बात है, ये पॉलिटिकल अपना बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप हो सकता है, लेकिन कुछ लोग इसके बीच में अवसर की तलाश करते हैं। उसी अवसर में से ये टी शर्ट है जो हमें आपको नज़र आया, लिहाजा हमने कोशिश की कि अपने मंच के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचाई जाए। कैमरा पर्सन नितिन के साथ रांची से न्यूज़ बायस्कोप के लिए शहनवाज। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एशवेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।